नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस वक्त है कांग्रेस भवन हिसार में, जहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो रणदीप सुरजेवाला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मेरे पीछे हवन यज्ञ करवाया गया है। उनकी लंबी आयु की कामना करके उनका जन्मदिन पे खुशी मनाई जा रही है। हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला का जन्मदिवस है जो कि कांग्रेस भवन हिसार में मनाया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है, लड्डू बांटे। नाम सतपाल सिंह, रणदीप मेरा भांजा है, मेरा गांव रीता है। बाकी तो जो हमारे यहाँ साथी हैं इनको सभी को पता है, और क्योंकि रणदीप का ननिहाल यहाँ है तो तकरीबन सारे हिसार को पता है इस बात का। हम उनकी आयु की, उनकी हमेशा दीर्घायु की कामना हमेशा करते हैं। हम तो आज कोई खास वो नहीं है, आज तो एक आंकड़ा पहुँच गया कि वो 55 वर्ष के हो गए, पर हमारे लिए तो बच्चे हैं, और उनमें काम करने की ताकत लगन किसी भी बच्चे से आज भी ज़्यादा है। तो हम तो हमारे सामने जब तक हम रहें, हम यूँ मान के चलें कि हमारा बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, वो शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहे और देश की सेवा में लगा रहे, ये हमारी उससे भगवान से प्रार्थना है। उसके लिए ये जो इसका भाईचारा है, जो यहाँ बच्चे हैं जिनका वो नेता है, वो सभी की ये इच्छा थी कि हम उनकी कुशलता, उनकी अच्छी सेहत और उनकी तरक्की के लिए एक हवन का आयोजन करें, जिसका आज हमने हवन करके और उसका जन्मदिन मनाया है। धन्यवाद सर। हमारे साथ सुखवीर नागर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सुखवीर भाई आज? हम कहना चाहेंगे कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का आज 55वां जन्मदिन है। उनकी दूरदर्शिता और दूरदृष्टि सोच के लिए हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, और आज हवन और केक काटने का जन्मदिन मनाएंगे ताकि वो देश और प्रदेश को अपनी दूरदृष्टिता की सोच से एक नई दिशा दे सकें, और हमेशा आम जन, मजदूर, गरीब, कमेरा वर्ग की वो सेवा करते रहें। उनमें जो आम जनता की सेवा करने की जो लगन उनके अंदर है, उसके प्रतिभाशाली सोच का सभी वर्गों को सम्मान रूप से फायदा मिले। जितना लंबा उनका जीवन रहेगा उतनी लंबा वे सेवा करेंगे। उनकी दूरदृष्टिता सोच इतनी लंबी है कि देश और प्रदेश को उनके हमेशा लंबे समय तक उनके स्वास्थ्य और आयु की कामना करते हैं हम। तो कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता हैं जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, पहले नमस्कार। मैं आनंद जाखड़, पूर्व जिला अध्यक्ष हिसार युवा कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के नेता हैं। आज उनकी लंबी आयु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए हरियाणा नहीं पूरे देश के कोने कोने में हवन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है, और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं भगवान से उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। वो ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और युवा हरियाणा प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करें। रोहित राड़ा, जिला अध्यक्ष हिसार युवा कांग्रेस। जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और एक सच्चे सिपाही जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और अब तो हमारे भावी राज्यसभा सांसद हैं। तो उनके मैं स्वस्थ जीवन और राजनीतिक ऊंचाइयों की खूब मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी तरफ से भगवान परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह से समाज सेवा में लगे रहें, और उनके खूब राजनीतिक ऊंचाइयों की कामना करता हूं। दिनेश पुनिया, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। हमें बड़ी खुशी है, हमें इतने अच्छे नेता के रूप में जो हर वक्त जन विरोधी जो नीति है मोदी सरकार की, उनको उठाने का काम करते हैं, और अभी अभी उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका मिला है। अब संसद में भी वो मोदी की जन विरोधी नीतियों का डट कर मुकाबला करेंगे, और एक जनता की आवाज़ बनकर उनको
जो उनकी मोदी की नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनको उजागर करने का काम करेंगे। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे अजीज युवा के प्रेरणा स्रोत ऐसे नेता को भगवान लंबी से लंबी उम्र दे। इसी कामना के साथ हमने आह्वान किया उनकी लंबी आयु के लिए, और अभी हम केक काट कर उनका जन्म। मेरा नाम कृष्ण सातरोड़ है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जिला पार्षद हूँ हिसार से। वैसे तो विशेष तौर पे हम हर वर्ष जब भी रणदीप जी का जन्मदिवस होता है हम उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पिछले 2 वर्ष जब कोरोना के निकले तो हमने, उनका आदेश था कि लोगों की सेवा में ये समय निकले, तो हमने कोरोना से संबंधित जो हमारी सुविधाएं थी वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस वर्ष जब शांति है, सारी चीज़ें हैं, तो हमने प्रयास किया कि हम सारे के सारे साथी इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के एक हवन यज्ञ करवाया जाए, जिससे हम उनके स्वास्थ्य के लिए और वो जीवन में तरक्की करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, उस मकसद से हमने एक हवन यज्ञ करवाया था। मैं भरत सिंह मलिक, एडवोकेट। हम सभी साथी सभी वर्गों से, चाहे वो कमज़ोर वर्ग से हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो नौजवान हैं, सभी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज सब साथियों ने, हमने इकट्ठे हो गए, ये सलाह किया चौधरी सतपाल जी कुलड़िया, जो उनके मामा जी हैं, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने हवन करवाया। और हमारे दरियाव सिंह धानक के जो लड़के हैं सुखबीर सिंह धानक, उन्होंने कहा कि भाई ये केक काट करके चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सभी वर्गों की तरफ से हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। हम उनकी लंबी उम्र की कामना का एक प्रार्थना करते हैं भगवान से, और सारे देश की तरक्की के लिए इस तरीके के नेता जो संघर्षशील हैं, मेहनती हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे एक मान्यता है कि भाई इन जैसा नेता नहीं हो सकता, तो हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और राजनीतिक तरक्की की हाथ जोड़ के प्रार्थना। अरविंद बांडाडी सर, और हिसार युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ मैं। और रणदीप जी हमारे हरियाणा के नहीं बल्कि हमारे देश के नेता हैं, और वो जिस प्रकार मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उठाते हैं, उसके लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमने आज हिसार कांग्रेस भवन में हवन किया है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कांग्रेसी यहाँ पे, जो रणदीप सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, और उनके हवन यज्ञ करके उनका जन्मदिन लड्डू बांट करके मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे थे कांग्रेस भवन हिसार से। और अभी इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए, कैमरामैन पूजा ठाकुर के साथ मैं रण सिंह पवार।